नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करिछ मु स्मृति लग्ना देखिबा हेडलाइंस जिद्र अटल शासक व विरोधी चाली परुनाही गृह मुलतवी घोषणा करिछंती वाचस्पति लगातार 4 दिन धरी विधानसभा रे अचल अवस्था सपते फेल मारिला सर्वदल बैठक राजधानी रे फाटिला ट्रांसफार्मर चंद्रशेखरपुर ओमफेड फैक्ट्री निकट अघटन ट्रांसफार्मर फाटी जलीगला आखपाख दुकान 4 दुकानी गुरुतर संगीन हेबारे लागिछि कोरोना संक्रमण जारी रहिछि द्वितीय लहर संक्रमण रोकिबा पई मुख्यमंत्री को सह आलोचना करिवे प्रधानमंत्री नुआ नियम नै कोई पारे आलोचना घाटी तळकु खसला ट्रक केन्दुछर जुडिया घाटी रे मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना घटना रे ड्राइवर मृत हेल्पर गुरुतर गुरुतरंकु जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती महांगा डबल मर्डर घटना आज विधानसभा अभिमुखे बीजेपी पदयात्रा 20 रे घेराव करिबो विधानसभा रघुना जू पीठरु आरंभ हेबो पदयात्रा पुरी गोप पराळ गांरे नाबालिका को दुष्कर्म उद्यम सहित मरणांतक आक्रमण गुरुतर नाबालिका हॉस्पिटल ले भर्ती सपटे अभियुक्तर बापा मां को पुलिस रो पचराउचरा संपूर्ण खबर को आसीबा भुवनेश्वर फाटिला विद्युत ट्रांसफार्मर जोंथरे 4 जनो गुरुतर होइछंती आज सकाळे चंद्रशेखरपुर स्थित ओमफेड ऑफिस गेट पाखरे विद्युत ट्रांसफार्मर फाटीछि फळरे निकटरे थिबा एक जलखिया दुकान मालिक एवं तांको पुओ गुरुतर भावे आहत होइछंती एथि सहित दुकान रे कार्यरत अन्य दुई जनों मध्य पोड़ी जाइथिबा सूचना रहउछि पुलिस समस्त आहतों को उद्धार करिछि कैपिटल हॉस्पिटल ले भर्ती करिछि 4 जन आहतों को भितर जनकर अवस्था संकटापन्न थिबा सूचना रहउछि जहाँ को नहीं तांको कटक बड़ मेडिकल को करा सरिछि स्थानांतर उक्त व्यक्ति शरीर पछ भाग संपूर्ण पोड़ी जाइछि ना सेमती किसी ना खाली ना पहला फुटला इतनी क्या मैं देखी चुका आगे चुना ही देखने कौन है जब बच्चे जैसे पहुंचे दुकान खोली लालू जोड़ी रहने आगे चुना ही कमी थी फटला ना मैं कोई परी कमी फटला आप हमें अलग तो दुकान जोड़ चुकी हूँ टॉम कलर फोन कलर आशी पहुंचे नियाली बेले सोईला पांच छोटा पंद्रह हमें भी तेरे थोड़ा आवा इठे तो दुख दौड़ले समते दौड़ले आमे तो भीतर भीतर रहलु जीवन भली के लिए आसी 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 ये सो धांगी पहिले ए चार लोक आज आघात हे गला केई नथिल लोक फोन फोन कला परे एम्बुलेंस आसी नै थौ किन 5 टा हे जे एटा टिके कम अछि 7:30 टा भीतर हेथिले बहुत लोक माने खंडा भई थान पुरी जाथे रेठे रेलवे ऑफिस एपटे ओमफेट ऑफिस सब जळखिया पान सा चा सब पर खांति सर आउ गोटे छुआर बहुत आघात हे जे पोड़ी की पूरा ये है नष्ट भटे हे पुरी जिला गोप थाना अंतर्गत बराळ गाँव में जड़े नाबालिका को दुष्कर्म उद्यम अभियुक्त जनक नाबालिका को दुष्कर्म उद्यम करने सहित मरणांतक आक्रमण करता फल नाबालिका जनक पुरी बड़ डाक्तरखाना चिकित्सित मुंडरे शक्त आघात लगी पीड़िता बड़ डाक्तरखाना गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती गोप थाना पुलिस एने मामला रुजू कर सहित घटनार अनुसंधान आरंभ कर घटनार गुरुत्व दृष्टि अतिरिक्त एसपी तत्वावधान में पूरा घटनार कर तदारख यहाँ हूँ रविवार दीटा बेलर घटना आम कहीं भी घरे नु बापा माँ भी घरे नी एकुटिया घरे थिला से जी अभियुक्त जी सी घरे बस ताते दुष्कर्म करवाक धमक भी देखिए तू जदि घरे कहबू कि क्या कौन कहबू ताल ते मारिकी तो पर लोक को पूरा जाड़ीदेवी हबू सी जो पार्टी कर समस्त डाकि पीढ़ा पुटारे मुंड को पिटी ता मुंड को पूरा संपूर्ण भाव में दिथर मारे चेष्टा कर मारिक पार्टी जो कला समस्त दौड़ा दौड़ी गले समस्त मेडिकल नहीं गला बेलू सी जे पीढ़ापटार बाड़ी जो अभियुक्त सी खसिक पलैला तापर आम थाना एतला देलु थाना एतला देलापर झील को सी जो जेहेतु जमकई से विषय आम कि कहलानी जे से दुष्कर्म करी आम चाहूँ केमी अभियुक्त शास्ति पाऊ सी केमी फाँसी पाऊ सी फाँसी पाइले आम न्याय पाइबु ओके अभियुक्त फाँसी पाऊ एवं अभियुक्त फाँसी पाइले आम न्याय पाइबु ये संपर्कियों कहवा कथा से दिन पीड़िता सहित कौन घटी पीड़िता एने कौन प्रतिक्रिया रखुंत आम नजर पक गाँवर अभय भूं पूर्वर बहुबार दुर्व्यवहार करने दुष्कर्म कर बापा भौणी समस्ते मिशुंच
14 तारीख दिन रविवार दिन दुईटे मुझे एकुटिया थिबा बेले आसी मो सह दुष्कर्म करछे मु पार्टी करिबारु पीढ़ा पटरे मो मुंड को जोर पिटी देछे तार माँ बापा समस्ते सामिल अछन्ते धमक भी देछि घरे काहा को कोन कहिबु कि कोन करिबु ताहाले तोर घर लोक समस्तंकु मारि देबे आगुरु मध्य मते बहुत थर बाड़ेछे मु भयरे ए कथा काहा को कहि पारिनि मु से दिन साहस करी पार्टी करिबारु पीढ़ा पटरे मो मुंड को पिटी दौड़ी पळाइथिला। धान किणा प्रसंगे आलोचना हो मंडी चाषी धान उठावा को सरकार प्रतिश्रुति दिंतु तापर विधानसभा चलो विधानसभा आत्महत्या उद्यम भाजपा विधायक सुभाष पाणीग्राही क्षमा मागंतु नचे विधानसभा चलाई दिजना एमती जिद्रे अड़ी बस विरोधी और शासक मंडी अव्यवस्था धान किणा भाजपा विधायकों आत्महत्या उद्यम को नहीं विरोधी एवं शासक मुहांमुह अवस्था अच्छा कहीं निज जिद्रु ओहरवाई नाराज लगातार चारिदिन हो विधानसभा अचल अधा मिनिट कि अति बेस मिनिट गृह कार्य आरंभ किंतु मुलतवी मोड़ को चली जाउची विरोधी एवं शासक दल सभ्यों हट्टगोल विधानसभा प्रश्नकाल शून्यकाल मुलतवी बजेट आलोचना सबकि फिका पड़ जा बाचस्पति बाध्य होई गृह को मुलतवी घोषणा करुछंती तबे गृह को स्वाभाविक अवस्था को फेराई आणिबा को हेले बाचस्पति डाकिथिबा सर्वदलीय बैठक रे शामिल हेबा को पड़िबो किंतु सर्वदलीय बैठक फेल मारिछि ए बाबद्रे अधिक सूचना पई सिधासळ काम प्रतिनिधि दिव्य जोड़ी होउछंती दिव्य गृह कार्य आदौ चली पारुनी हार्डली अध मिनिट चलुची तापरे गृह मुलतवी हो जाउची एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अच्छी जहाँ आलोचना अपेक्षा रही राज्यवासीों पर बेस गुरुत्व बहन कै गृह कार्य केमी स्वाभाविक हेब ये प्रश्न ए समस्त मनरे देखो स्मृति लग्न निश्चित भाव में बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय क्योंकि कौटी प्रत्येक दिन सरगर्म रहुची एवं आपन देखिबे लगातार तीन दिन धरी अचलावस्था जारी रहा परे गत काली बाचस्पति सर्वबेल बैठक डकाइथिले दुई दुई थर सर्वबेल बैठक डकाइबा परे मध्य कौनसी सुफल मिलनतला सर्वबेल बैठक रे कौनसी निष्कर्ष बाहरी पा नथला एवं विरोधी अड़ी बसले मुख्यमंत्री गृह रे जवाब रखंतु मुख्यमंत्री गृह रे उत्तर रखंतु कारण पूर्वरु संबाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई एवं संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम केसरी आरुक गृह रे जवाब देथिले मध्य ता पूर्ण करा जाइनी अर्थात प्रतिश्रुति पूर्ण करा जाइनी जोंत पई चलत थर एई अचलावस्था जारी रहिछि से दृष्टिकोण रु मुख्यमंत्री गृह नेता हिसाब से निजे गृह विवृति रखंतु एवं प्रतिश्रुति दियंतु समस्त चाषी धान किणा जाउ अन्यपटे शासक दल अड़ी बसि जेहेतु गृह गारिमा भंगा जाइछि अर्थात गृह गारिमा बीजेपी विधायक भांगिछंती बोली शासक दल कहुछि से दृष्टिकोण रु जेपर्यंत बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही क्षमा न मागिछंती से पर्यंत गृह चलाई देबु नाही बोली चेतावनी देछि शासक दल एभली किछि प्रसंग को नहीं वर्तमान गृह अचलावस्था रहिछि आज पंचम दिन मध्य जहाँ आकलन कराउछि जे आशा कराउछि गृह मध्य अचलावस्था जारी रहिबो एवं जेहेतु कोनोसी निष्कर्ष बाहरी पाउनी विरोधी तांक जिद्र अटल रहिछंती शासक दल मध्य ता जिद्र अटल रहिछि तबे एटार प्रश्न गृह किभळे स्वाभाविक हेबो एवं जे कथा आपण कहउछंती लगातार पंचम दिन में मध्य आपण देखिबे चारिदिन हेबो प्रश्नकाल गोटे मिनिट मध्य चली पारनी एवं जो सब प्रसंग आलोचना हेबा कथा राज्यर तमाम प्रसंग आलोचना न होई वर्तमान गोटे प्रकार विधानसभा ए जो अधिवेशन फिका पड़े होउछि बजेट अधिवेशन रो जो खर्च दबे आलोचना देखिबे प्राय छटी विभाग खर्च दबी आलोचना गिलोटिन को चली जाइछि एवं आज देखिबे नगर गृह नगर उन्नयन विभाग पौर विभाग खर्च दबी आलोचना रहिछि किंतु जहां आशा कराउछि आज एई दुटी विभाग प्रतिश्रुति दियंतो ये प्रथम दाबी रहुछि कारण कोनोसी स्पेसिफिक गोटिए जगह रे नुह जे मंडी समस्या बा चासिंग को समस्या देखिबा को मिलुछि राज्य रे अंचल तमाम देखा मिलूँ जे प्रत्येक जगार चाषी हंतसंत होती बाबद सरकारी दल कौन प्रतिक्रिया रखुची देखंतु स्मृति लग्न 26 तारीख जितेबाला पूर्वरु सबल बैठक डकाइला 26 तारीख संसदीय व्यापार मंत्री गृह में विवृति रखिथिले जे समस्त योग्य चाषी धान किणा जीव जो मैंने अयोग्य चाषी धान मंडी रखिंट से विरोध में फौजदारी मामला करा गिरफ्तार परवर्त समय जो भाव में विधानसभा आरंभ होगा द्वितीय पर्याय बजेट अधिवेशन आरंभ होगा विभिन्न स्थानों चित्र आसला जे मंडी में अनेक धान पड़ रही चाषी हंतसंत होती जहाँ को विरोधी प्रसंग करते प्रथम दिन गृह मध्यभाग को
हट्टगोल करते चेतावनी से समय बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही देते चेतावनी देते जदि धान न उठा जाए से आत्महत्या करेंगे और गृह मध्यभाग आत्महत्या करेंगे चेतावनी देते कि गृह कथा गुरुत्व सहकार नहीं ना जोपाई अपराह्न अधिवेशन से ही दिन ही से आत्महत्या उद्यम करते जहाँ परवर्त समय दुई दिन हम शासक अड़ बस गृहर गारिमा भंगा जाती विधायक क्षमा मागतु किंतु बीजेपी कहवा कथा जेकोसी परिस्थिति में विधायक क्षमा मागे ना प्रथम मुख्यमंत्री क्षमा मागतु और मुख्यमंत्री गृह बृत्ति रखत जदि मुख्यमंत्री क्षमा मागे कि मुख्यमंत्री गृह बृत्ति रखे परवर्त समय बीजेपी समस्त विधायक गृह क्षमा मागे कि गांधी मूर्ति तले क्षमा मागे कि प्रथम समस्त चाषी का धान उठाई सरकार प्रतिश्रुति दिखाँ धान उठा जाऊ यह जहाँ प्रभाव पड़ुछि ताहा राज्यवासी ऊपर एथिपाई पड़ुछि अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हो पारु नाही एवं बारंबार गृह मुलतवी होउछि चारि दिन हो गृह कार्य आदो स्वाभाविक भाव में चली पारु नाही। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य समस्त अपडेट पाई। आजिठारु श्रीमंदिर सेवायत मानक कोविड टीका प्रदान एथिपाई स्वतंत्र शिविर शुभारंभ हो शिविर को जिलापाल उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रही टीकाकरण कार्यक्रम सकाळ 10 रो अपराह्न 5 तेबे 60 वर्ष थारु वयस्क सेवायत माने टीका नै पारिबे दैनिक 100 जन सेवायतंकु टीका प्रदान करा जिवो एथिपाई सेवायत माने समानकर आधार कार्ड संगरे आनिबा पई सूचना पूर्वरु सेवायत मानकर अनेक थरो कोविड टेस्ट करा जैथिला जेहेतु सर्वसाधारण दर्शन जारी रही सेथिपाई सेवायतंकु टीकाकरण पई राज्य सरकारक स्वास्थ्य विभाग को अनुरोध करथिला श्रीमंदिर प्रशासन। ए बाबद्रे अधिक सूचना पई आलोक आशुतोष सम प्रतिनिधि सीधासळख मो सहित जोड़ी होती आलोक आधार कार्ड आनिबा पड़ सेवायत को टीका दिया जिबो जहां अपेक्षा करथिले अनेक दिन धरी सेवायत जेहेतु सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हो जाइछि तो वर्तमान परिस्थिति रे आज दिन सेमानक पई केते आश्वस्तिकर दिन निश्चित भाव स्मृतिलग्न जेहेतु सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हो जाए जो विभिन्न राज्य मानकर करोनार द्वितीय स्ट्रेन देखा मिली जो भक्त श्रद्धा मैंने आसवे तेज सेवायत मैंने जथेष करोना संक्रमित होवार संभावना रही है जब सेवायत मैंने स्मृतिलग्न संक्रमित हे तेज महाप्रभु नीतिकांति में गभर मात्र प्रभाव पड़े से ही परिप्रेक्षी में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार दुई मास तले राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव को चिठी लिखे अवगत कराई युद्धकालीन भितर श्रीमंदिर सेवायत मानक टीका प्रदान करने सेवायत मध्य दाबी थी से टीका प्रदान करेंगे आज किसी समय पर पूरी जिलापाल समर्थ वर्मा आसिक टीकाकरण कार्य को उद्घाटन करेंगे सीधा सड़क दृश्य देखी पार्टी आ किसी समय पर जिलापाल आसवे टीकाकरण कार्य उद्घाटन करेंगे आम पूरा चित्र देखू जेहेतु लोकनाथ रोड स्थित बैठक घर प्रतिहारी निजोग रही टीकाकरण आम आलोचना करवा आम सहित माधव पूजा पंडा अच्छा आज्ञा गोटे निर्दिष्ट दाबी आपर थी कारण बर्तमान जो भाई द्वितीय स्ट्रेन देखा मिलला जदि कौन भक्त श्रद्धा आसवे करोना हो कि आपण मैंने संक्रमित हे आपने संक्रमित हेल्ले महाप्रभु नीतिकांति प्रभाव पड़े टीकाकरण करने को आपको दीर्घ दिन दाबी थी आज टीकाकरण आज किसी समय पर हम आप पंजीकृत कले कि नहीं कितने आश्वस्तिकर खबर आप देखो यहाँ निश्चित गोटे खुशी खबर आमर दाबी थी मुख्य प्रशासन पाखे सेवायत जो मैंने वैषाधिक रे सेवायत प्रथम टीकाकरण कराइप जहा हूँ आज से सफल हाबाक जाऊँ जेहेतु मंदिर बाहर भक्त मैंने आसुँच दर्शन कराइप आम टे उद्विग्न थाउ जे काले आमको कौनसी से कोविड 19 भली महामारी ग्रास न करू आपण मैंने देखी थे मझे जो भाया परिस्थिति होता सेवा करने आम मझे चहल पड़ जाता कि महाप्रभु रीतनीति चालू रही से जहाँ प्रथम तो स्तर में प्राथमिक स्तर में भावु जो मान सुगार हो कि विभिन्न रोग अच्छी प्राथमिक स्तर दि जाए 45 वर्ष ऊर्ध दि जाए आम भी निश्चित मुझे ने स्मृतिलग्न जहाँ शुणुले प्रतिक्रिया जहाँ प्रशासन लक्ष्य रखी श्रीमंदिर प्रशासन 60 वर्ष रु वयस्क सेवायत और 45 वर्ष ऊर्ध वयस्क सेवायत जहाँ विभिन्न प्रकार रोग थी से टीकाकरण कर निहाती सेवायतों को कोरोना टीका दिया जिबो सेवायत मानक भितर मध्य आश्वस्ति देखिबा पई मिलिछि अनेक दिन रो ये थिला जे दाबी थिला यथाशीघ्र से मानक टीका प्रदान करा जाउ नुआ स्ट्रेन बा द्वितीय लहर को नेकी मध्य चिंता प्रकट करा जाउछि सबु जगार एभले को क्षेत्र रे जेतले सर्वसाधारण दर्शन चालू रहिछि सेवायत माने चिंता करबा स्वाभाविक एवं आज समानक पई आश्वस्तिर दिन कारण आज ठारु सेवायतों को टीकाकरण। बहुत बहुत धन्यवाद सबिस सूचना पई आलोक आशुतोष।
घाटी तळकु खसिला ट्रक केन्दुझर जिला टाउन थाना अंतर्गत जुडिया घाटी तळकु ट्रक खसी पड़ी। दुर्घटना रे ड्राइवर मृत, हेल्पर गुरुतर। मृतक ड्राइवर का परिचय मिली पारिनी। आज सका सतटा बेले ट्रकटी कोलकाता अभिमुखे जाउथला, ब्रेक फेल होइथला। भारसाम्य हरई ट्रकटी घाटी तळकु खसी पड़ला। तेबे पथर रे ट्रकटी चापी होइ रहिथिबा बेले ड्राइवर मध्य ट्रक सहित चापी होइथिले। घटनास्थल रे अग्निशम विभाग पहुंची कि उद्धार कार्य आरंभ करथिले भी हेल्पर को जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जाय छि, किंतु ड्राइवर मृत। दुई बाइक भितरे मुहांमुही धक्का। संबलपुर जिला महुलापाली थाना अंतर्गत बांके पंचायतर बांडीपड़ा छक निकटे दुईट बाइक मुहांमुही धक्का। तबे दुर्घटना रे दुई जन गुरुतर होइछंती, जनकर मृत्यु घटिथिबा सूचना। समस्तंको प्रथम कुंतरा डाक्तरखाना को नेउथबा बेले बाटरे देवानंद पंचभायांकर मृत्यु होइछि। अन्य दुई जन उमाशंकर घंटुआली एवं उमेश माझी को कुंतरा डाक्तरखाना रे भर्ती करा दैछि, परे कुचिंडा डाक्तरखाना को करा दैछि स्थानांतर। अवस्था गुरुतर होइथिला, उभयंको बुल्ला डाक्तरखाना को स्थानांतर करा दैछि। ब्रह्मपुर बैद्यनाथपुर थाना पुलिस तरफ मंगलवार राति दुई अपराधी को गिरफ्त करा सहित बंधुक जबत करा दैछि। ब्रह्मपुर पुलिस तरफ अपराधी दमन बेले चढ़ाउ जारी रहिथिला, दुई जन को काबू करा दैछि। ए अपराधी को विरोध में अधिक तथ्य संग्रह पई तदंत जारी। महांगारु पदयात्रा करी विधानसभा घेराव करिब बीजेपी। राज्य में विपर्यय आईन श्रृंखला परिस्थिति, महांगा डबल मर्डर 302 दफा लगिथिबा आसामी को सुरक्षा देवा प्रतिवाद रे चलित मास 20 तारीख पूर्वाह्नरे बीजेपी विधानसभा घेराव करिब। एने आज महांगा निर्वाचन मंडली रघुनाथजी पीठ कुलिया थारु जगतपुर पर्यंत जीव। द्वितीय दिन रे यह जगतपुर प्रतापनगरी, तृतीय दिन रे जीव प्रतापनगरी रु राम मंदिर, एवं चतुर्थ दिन अर्थात 20 तारीख पूर्वाह्नरे राम मंदिर रु बाहर विधानसभा घेराव करिबो बीजेपी। भारत में कोरोना संक्रमण में जारी रही द्वितीय लहर। मंगलवार महाराष्ट्र में 17,000 अधिक नुआ आक्रांत चिन्हट। मुंबई में शिक्षक मानंकु घर थाई काम करने को निर्देश। मध्यप्रदेश में सरकार भोपाल एवं इंदौर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाई। से भले भावे गुजरात पंजाब महाराष्ट्र में स्कूलगुड़िक बंद कर दिया जाए। समस्त दिगक दृष्टि रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्त राज्य मुख्यमंत्री सहित करेंगे बैठक। बैठक में कोरोना स्थिति नहीं चर्चा हो। देशव्यापी गोटे दिन में 24,492 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट हेले। एथस देश में कोरोना आक्रांत संख्या 1,14,00,000 अतिक्रम कर। गतल 131 जन मृत्यु होता बेले देश में यह संख्या 1.58 लक्ष पहुंची। लगातार भाव में षष्ठ दिन में रोगी संख्या बढ़ुची। एवं सक्रिय आक्रांत संख्या 2.2 कोटी को वृद्धि पाई। भारत पर्तुगाल बा लिस्बन नुआदिल्ली भाई भाई बोली कहिबा सहित पर्तुगाल निर्वाचन रे भारत सहयोग को मन खोले प्रशंसा करिछंती आईपीयू रो प्रेसिडेंट दुआर्ते। संसद रो केंद्रीय हॉल रे मंगलवार भारतीय सांसद मानकु उद्बोधन देवा अवसर रे निजको भारत रो खास बंधु बोली कहिबा सहित भारत आसी से निज घरे रहिबा भली अनुभव करथिबा प्रकाश करिछंती। भारत पर्तुगाल भाई भाई। पर्तुगाल निर्वाचन रे भारतर सहयोग पाई धन्यवाद। जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे भारतर स्थायी सदस्यता पाई समर्थन जनाउची पर्तुगाल। भारतीय सांसद को पर्तुगाल आईपीओ प्रेसिडेंट दुआर्ते पाचेकों को उद्बोधन। भारत पर्तुगाल बा लिस्बन नुआ दिल्ली भाई भाई बोली कहिबा सहित पर्तुगाल निर्वाचन रे भारतर सहयोग को मन खोली प्रशंसा करछंती से देशर इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन बा आईपीयू रो प्रेसिडेंट दुआर्ते पाचेको। संसदर केंद्रीय हॉल रे मंगलवार भारतीय सांसद मानकु उद्बोधन देबा अवसर रे निजकु भारतर खास बंधु बोली कहिबा सहित भारत आसी से निज घरे रहिबा भली अनुभव करछंती बोली प्रकाश करछंती।
beginning of my presidency to show that you have a friend, a special friend in IPU, ready to work side by side with you, with your parliament, and with India. But this special relation, it is not just personal, because as Portuguese, you know, we have a special relation as well between our two countries, Portugal and India, with more than 500 years old of relations. So we know all each other so better that I may say, we are not just friends, we are brothers. दुई देश मध्यरे स्वतंत्र संपर्क रही जहाँ 500 वर्षर पुराणा तेणु दुई देश परस्पर को सबुठ अधिक जानती से हिसाब से दुई देश केवल बंधु नुहंती बरम भाई भाई भारतीय गणतंत्र को प्रशंसा करी दुआत्रे कहिसंती भारत होची विश्वर सबुठ बड़ गणतांत्रिक देश एठारे धार्मिक राजनैतिक समानता सहित समस्त को समान अधिकार दिया जाए भारत विश्वर एक गुरुत्वपूर्ण देश कौनसी आंतर्जातिक प्रसंगे यार मतामत को सम्मान दिया जाए तेणु जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य पदपी भारत दाबी को पुर्तगाल दृढ़ समर्थन करे बोली कहते दुआर्त्रे इन यूएन यूनाइटेड नेशंस वेयर पुर्तगाल सपोर्ट्स रिफॉर्म प्रोसेस एंड द इंक्लूजन ऑफ इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल and in international level as more as a more and more important player in all fields which opinion is respected and leadership and actions are essential प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व रे भारत रो अर्थनीति चमत्कार भाबरे आगे परिची तेनु भारत रो कोनोसी आभ्यंतरण व्यापार रे पुर्तगाल मुंडो खेलाइबा को चाहेनी भारतीय समाज अन्य मानक पई उदाहरणीय यूरोप एमिति एक समाज तांको पई से इच्छा करंती विश्वर अन्य देश गुडी को अपेक्षा भारत सबबेले एक भल भविष्य पई चिंता करथै कोरोना महामारी सहित लड़ई रे भारत किपरि विश्व को सहाय्य करि पाछि से कथा मध्य प्रकाश करथिले पाचको इंडिया इज वन एग्जांपल टू द वर्ल्ड बिकॉज विथ योर कोरेज यू टेक वेरी हार्ड मेजर्स बट आल्सो because you don't look just for you. Before the vaccine and after the vaccine, you give concrete help to so many nations of our world. भारत को एबे 7 दिनिया गस्त रे आछंती दुआर्ते पाचको पुर्तगाल रे 1899 मसिया रे गठित होइतिला आईपीयू 179 सदस्य विशिष्ट आईपीयू को अंतरजातीय स्तर रो सबुठ पुरातर पार्लियामेंट बॉडी बोली कहा जाय भारत तरफ स्वतंत्र भाव में निमंत्रित हो एठाक आुआत्रे अवसर में से भारतीय संसद कार्यशैली देखते संसद तरफ उच्च संवर्धना दि जाता ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज टिके पूर्व आम गोटे खबर उपर नजर पकाउथिलु जे भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर ओमफेड अफिस् गेट सामने विद्युत ट्रांसफर्मर पोड़ी जाइछे जोथिपई गुरुतर होइछंती 4 जण एवं सेथिरे वर्तमान अपडेट जहाँ आसी पहुँचिछि 4 जण को भितर 3 जण को अवस्था संकटापन्न होइछंती 3 जण गुरुतर जहाँ को कटक बड़ मेडिकल को रेफर करा जाइछि एवं समान को स्थानांतर मध्य करा जाइछि सेठारे समान चिकित्सित जणे वर्तमान कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती होइछंती निकटरे थिबा को जलखिया दुकान मालिक आ तांको पुओ जेभळि भाबरे गुरुतर होइथिले जो खबर सामना को आसीथिला तार अपडेट आमे दउछु 4 जण आहतक भितर 3 जन को वर्तमान कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा सरी जड़े कैपिटल हॉस्पिटल एवं पूरा अघटन रे जो व्यक्ति माने आहत होती गुरुतर होती को चिकित्सा करा जाउछी बाबद अधिक सूचना पाई कविता आमर प्रतिनिधि जोड़ी होती मो सहित कविता कौन अपडेट रोचे चंद्रशेखरपुर ओमफेड सम्मुखें जो ट्रांसफर्मर थी फाटी
ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ପାଖରେ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ଆହତ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଦେଖିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ବେଶ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ରେଫର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯାହାଫଳରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ନା କିଛି ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା କି ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ତ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଯଦି ସକାଳ ସମୟରେ ସେଠାରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥିଲେ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେଇ କଥା ଭାବିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରହିଛି ତାର କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ କେତେ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉପରେ ଗଛଲତା ମାଡି ଯାଇଛି କେଉଁଠି ଉଜାଡି ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି କହିବା ତା ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ରୁଟିନ ଚେକଅପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। କୋଉ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ କିଛି ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ହାନି ହେବ, ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେବ, ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ କବିତା। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟିବା ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଯାହାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।